हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एक मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्टॉक में बाय करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे कैसे पता चल सकता है कि जहाँ पर भी हम एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो एंट्री सही है। जब भी बाय या फिर सेल करते हैं तो वहाँ पे हमें कन्फर्मेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन पे राइट एंट्री कैसे लिया जाता है और यहाँ पे हमें जब भी एंट्री लेने के बाद कब तक हमें पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंट्री से लेकर एग्जिट तक कौन कौन से रूल जो हमें फॉलो करने हैं और यहाँ पर मैं आपको जो भी इंडिकेटर बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको कुछ बाय और सेल सिग्नल दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी एक्यूरेट, जैसे कि यहाँ पर बाय MIT, यहाँ पर सेकेंड सुपर ट्रेंड का कन्फर्मेशन, उसके बाद यहाँ पर जो है जिगजैग का लाइन है। उसके अलावा यहाँ पर हमने यहाँ पर RSI का भी यूज़ किया हुआ है जिसका लेंथ है 60-40 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे एंट्री लेने का जो भी प्रोसेस होने वाला है काफ़ी ईजी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें यहाँ पर इंडिकेटर चार्ट पर कैसे लगाना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हमें फॉलो करनी है, यहाँ पर इंडिकेटर में क्या क्या सेटिंग करना है। तो चलिए यहाँ पर हमें इंडिकेटर चार्ट पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंडिकेटर चार्ट पर लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर आ जाना है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में सर्च करना है। सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर है वो है RSI, जो कि यहाँ पर हमें सर्च करना है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है टेक्निकल्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो आपको यहाँ पर टेक्निकल में आ जाना है, RSI देखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको इसे चार्ट पर लगा देना है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंडिकेटर सेटिंग्स कर दिया है क्योंकि हमारा जो टाइम है ज़्यादा वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो यहाँ पर लगा देंगे, जो कि है सुपर बुलिंजर ट्रेंड एक्सपो, ऐसा सर्च करना है। आपको यहाँ पे पूरा सर्च करना है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हो सकता है अगर आप यहाँ पे सुपर बुलिंजर ब्रांड लिखोगे और यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए आपको सुपर बुलिंजर ट्रेंड एक्सपो ऐसा पूरा लिख लेना है। और यहाँ पे इसके आगे का आपको नाम दिखाई दे रहा होगा जेयर मैन, तो आपको ये दोनों चीज़ें देख लेनी है, देन इसे आपको एक बार क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड इंडिकेटर है यहाँ पर सर्च कर लेंगे, जो कि आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा AI इंगल्फिंग कैंडल, तो आपको ये भी पूरा नाम सर्च कर लेना है। और यहाँ पे इसका आगे नाम देख सकते हैं अहमद इशराद, तो आपको ये भी देख लेना है। दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा तीनों इंडिकेटर चार्ट पर लग चुके हैं, अभी यहाँ पे हम जान लेते हैं इसका सेटिंग्स क्या क्या यहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है सुपर बुलिंजर ट्रेंड, इसके हमें सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे आपको पीरियड में 10 रहने देना है, मल्टीपल में 1.9 कर देना है, जिगजग लाइन जो इसे हमें टिक रहने देना है सिग्नल, और यहाँ पर जिगजग रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर टेक प्रॉफिट इसे हमें टिक रहने देना है और यहाँ पर मीडियन स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे जो है इसका थिंकनेस और ओपेसिटी दोनों बढ़ा देना है, जो कि आपको अच्छी तरह से चार्ट पर दिखाई देगा, तो यहाँ पे इसे ओके कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है इंगल्फिंग कैंडल्स, जो AI जनरेटेड इंडिकेटर है, इस पर इनपुट में आना है। RSI जो लेंथ है इसका 40 रहेगा, यहाँ पर RSI ओवरबोट लेवल जो है 70 रहेगा, RSI ओवरसोल्ड लेवल जो है 30 रहेगा। अभी यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होने के बाद हमें इसे ओके कर देना है, यहाँ पे इसमें कोई भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। देन आपको यहाँ पे RSI के सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी हमने छेड़छाड़ की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका जो थिंकनेस है बढ़ा दिया है, RSI का जो ब्लू लाइन है, RSI हमें जो है इसका ग्रीन वाला इसका भी ओपेसिटी मैंने बढ़ा दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर RSI अपर बैंड जो है 60 कर देना है, यहाँ पर 50 रहेगा, RSI लोअर बैंड 40 रहेगा, जो कि यहाँ पे 60-40 का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर आप चार्ट पर देख पा रहे होंगे ओवरबोट और ओवरसोल्ड काफ़ी अच्छा यहाँ पर वर्क करता है, जैसे कि प्राइस यहाँ पे आने के बाद आप देख पा रहे होंगे एक्यूरेट हम यहाँ पे दोनों भी सिग्नल मिलने के बाद भी यहाँ पर हमने थर्ड कन्फर्मेशन लिया था RSI का, और जैसे इसने लेवल ब्रेक किया काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें मोमेंटम मिल चुका था। तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रैटेजी को दोस्तों यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ये सेटिंग होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इनपुट में आना है। इनपुट में आने के बाद आपको यहाँ पर RSI लेंथ में 40 रहने देना है और यहाँ पे आपको MA टाइप में आ जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है MA ये जो है इसे आपको सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे MA लेंथ जो है 40 रहेगा, BB स्टैंडर्ड डिवीजन 2 रहेगा, हमने यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है,
या अगर आप बुलिंजर बैंड लगा देते हो तो आप देख पा रहे होगे ये चार्ट पर इजीली लग जाएगा। और यहाँ पे आरएसआई के पास में एक बुलिंजर बैंड लग जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एसएम एमए को ही सिलेक्ट कर देना है। ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे आरएसआई अपर बैंड का जो लेंथ है यहाँ पर देखिए लाइन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी लाइन और नीचे भी एक लाइन सिलेक्ट करना है, जो कि आपको ब्रेकआउट का अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होने के बाद इसे ओके कर देना है। अभी यहाँ पर दोस्तों हमारा इंडिकेटर स्टडी सेटअप हो चुका है। अभी यहाँ पे हम जान लेते हैं हमें राइट एंट्री कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर फॉलो करनी है एंट्री लेते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप चार्ट पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आरएसआई को एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये ओवरबोट एरिया पर जब भी आपको एक जोन दिखाई दे रहा होगा जो कि ब्लू कलर में है यहाँ पर भी, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक रेड कलर दिखाई दे रहा होगा इस एरिया पर, यहाँ पर तो नहीं है, पर जब भी आपको ये 40 का लेवल और यहाँ पे 60 का जो लेवल है इसे यहाँ पर हमें देखना है। जब भी प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तब आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट होने का एक सिग्नल मिलता है। जैसे कि प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं इस लेवल पर जो था आरएसआई 60 पे था, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा पर हमें मोमेंटम मिला था। और यहाँ पर जब प्राइस अपसाइड मूवमेंट करने वाला था तब हमें यहाँ पे और एक कन्फर्मेशन मिल चुका था। अभी यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा बाय सिग्नल तो मिला था यहाँ पर हमें, पर ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, कहने के यहाँ पर इस सेकंड कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पर मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, पर यहाँ पे सेकंड कैंडल पे ही जो है हमारा एक ब्रेकआउट हो चुका था। तो यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन तो राइट चाहिए थे, उसके लिए यहाँ पर मैंने आरएसआई का यूज़ किया है। तो ओवरबोट और ओवरसोल्ड जो एरिया है काफ़ी यहाँ पर अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पर जो 40 के नीचे रहेगा ओवरसोल्ड एरिया और 60 के ऊपर जो है ओवरबोट एरिया रहेगा। तो यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बाइंग साइड पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं कौन कौन से जो है रूल फॉलो करने हैं, तो यहाँ पर जैसे कि इसने बाय सिग्नल दिखाया, बाय सिग्नल दिखाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय MIT जो कि एक AI बेस्ड इंडिकेटर है, तो इसका ब्रेकआउट होने का वेट करना है। अच्छा खासा ब्रेकआउट होने दो। मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम रखा है 15 मिनट का, यहाँ पर आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप स्कैल्पिंग यूज़ करना चाहते हो तो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉरेक्स में, यहाँ पे आप क्रिप्टो में, या फिर अगर आप इसे क्रूड ऑयल में यूज़ करना चाहते हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप इस स्ट्रैटेजी को स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको टाइम फ्रेम जो है 1 आवर्स और 1 डे का रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाइंग साइड पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पर हमें इसका ब्रेकआउट होने का वेट करना है। और जैसे इसका ब्रेकआउट हो तब यहाँ पे हमें आरएसआई में देखना है कि यहाँ पर क्या क्रॉसर हुआ है। अगर यहाँ पे क्रॉसर हुआ है और ब्रेकआउट अच्छा खासा मिला है तब यहाँ पे हमें राइट एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन जो दिखाई दे रही है जिगजैग की, वो देखिए प्राइस के लगभग ऊपर है, प्राइस के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको एक समझ में आ जाना चाहिए कि प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड में है। अभी ये जो जिगजैग लाइन है प्राइस के नीचे से चल रहा होगा, तब आपको यहाँ पे एक मार्केट का ट्रेंड जो है इजीली पता चल जाएगा। और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या रखना था, उसी कैंडल का लो। अगर कैंडल जो है काफ़ी छोटा है तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस कैंडल का लो रख सकते हो। मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर आपका एंट्री, उसके बाद अगर आप प्राइस थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक लॉट बाय करेंगे। उसके अलावा अगर प्राइस अप ट्रेंड में ही है तो उसके पीछे पीछे ही हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और साथ में ही जो है लॉट को भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको एक ट्रेड मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर बाय सिग्नल मिलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है जिगजैग का, यहाँ पर आने के बाद जो है हमारा कन्फर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मार्केट का एक अप ट्रेंड यहाँ पर आ चुका है, ट्रिपल कन्फर्मेशन हमारे यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कन्फर्मेशन, हमने यहाँ पर एंट्री भी लिया और यहाँ पर भी एक कन्फर्मेशन हो चुका था कि यहाँ से जो है प्राइस अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जब ऐसा कोई कन्फर्मेशन मिल जाता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर बाय साइड पोजीशन बना लिया था, अगर यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड का कन्फर्मेशन हो जाता है तब हम यहाँ पे क्वांटिटी का लॉट साइज भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है, जब भी प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है तो आपको पहले यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करना होता है। तो प्रॉफिट को कैसे यहाँ पर बुक करेंगे, तो जैसे प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेने के बाद प्राइस यहाँ पे चल रहा हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था उस स्टॉप लॉस को लेके एंट्री प्राइस के पास लगा देंगे, और प्राइस नीचे आने के बाद थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट करता है तो इस स्टॉप लॉस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। जैसे जैसे प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है तो वैसे वैसे आप हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना होता है।
यहाँ पर आपको एक सेल MIT सिग्नल मिला था जो कि AI कन्फर्मेशन सिग्नल है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एंट्री यहाँ पर बना सकते थे। तो हमें यहाँ पर जो सेकंड कन्फर्मेशन है वो क्या रखना है, RSA का क्रॉसओवर, या फिर अगर क्रॉसओवर नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है ओवरबोट में तो होना ही ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों कन्फर्मेशन होने के बाद यहाँ पर हम करेंगे एंट्री, और यहाँ पर अगर ये होने के बाद भी अगर आपको सुपर टेन का कन्फर्मेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, डायरेक्टली लॉट साइज बढ़ा देनी है और डायरेक्टली ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री, और एंट्री लेने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस SL एंट्री यहाँ पर, और जैसे जैसे प्राइस नीचे आता है आपको क्या करना है, इस SL को उसके साथ में ही ट्रेल करते करते नीचे आना है। यहाँ पर आपको कुछ बाय MIT सिग्नल भी दिखाई दे रहे होंगे, पर यहाँ पर जो सिग्नल है यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी नहीं हुआ और सेकंड कन्फर्मेशन जो है यहाँ पर जो है सुपर ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है, तो आपको यहाँ पर ट्रेंड को भी फॉलो करना जरूरी होता है। काफी अच्छा यहाँ पर हमें सिग्नल मिला, बाय सिग्नल मिला, यहाँ पर अच्छा खासा क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर ओवरबोट एरिया भी था तो यहाँ पर भी हम एंट्री ले सकते थे, ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री, और यहाँ पर जो है जिगजैग लाइन भी है इसके नीचे से आ चुकी थी। और टारगेट की बात करें तो जैसे ही हमने यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लिया था तो हमें यहाँ पर क्या करना है, लगभग 50 पॉइंट का ही फर्स्ट टारगेट रखना है, उसके बाद में आप क्या करेंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। यहाँ पर आपको 50 पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पे आपको एग्जिट करना है वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। सबसे बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। देखिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर हमें सिग्नल मिले, सेल साइड यहाँ पर सिग्नल मिला, यहाँ पर ब्रेकआउट, और यहाँ पर भी हमें लगभग 1, 2, 3, 4 कैंडल तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था। यहाँ पर सेकंड कन्फर्मेशन मिल चुका था, पर अच्छा खासा इसका ब्रेकआउट भी होना जरूरी है, कैंडल क्लोज होने दो अच्छा खासा, उसके बाद यहाँ पे एंट्री लो। अभी यहाँ पर देखिए सेल साइड यहाँ पर दो बार इसने कन्फर्मेशन दे दिया था, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अगर हमारा कन्फर्मेशन हो चुका था तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेकंड कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेड मिल चुका था, तो हमें यहाँ पे सेकंड कन्फर्मेशन पे एंट्री, सुपर ट्रेंड का जैसी कन्फर्मेशन हमें हुआ उसके बाद जो भी प्राइस हमें मिला है आप देख सकते हैं। मैं आपको चार्ट का एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ, इसके सिग्नल जो है काफी एक्यूरेट है। देखिए यहाँ पर भी हमें कितना अच्छा मूवमेंट मिला, यहाँ पर हमें बाय MIT का सिग्नल नहीं मिला, RSA को क्रॉसओवर, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा एंट्री, जिगजैग लाइन जो है प्राइस के नीचे से था, सुपर ट्रेंड में भी इसके नीचे से था। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे यहाँ पर आपको सिग्नल मिले हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।